हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नए सब्जेक्ट के स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये हमारे पूरे इंडिया में कैसे बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, बैंकिंग कहाँ से इवॉल्व हुई, आज बैंकिंग किस स्टेज में है, आगे फर्दर इसमें क्या क्या होगा, उन सब के साथ रिलेट करता है। आज हम करेंगे इसमें यूनिट वन। यूनिट वन में बेसिकली दो मेजर टॉपिक है। पहला स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम और दूसरा एपेक्स इंस्टीट्यूट्स। स्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो में कवर की है और एपेक्स मैंने आगे अपनी 4-5 वीडियो बनाई है जिनका लिंक लास्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो जिनमें मैंने कवर किया है। उसके अलावा इस यूनिट में 2-3 टर्म्स है जो कि हमारे आगे यूनिट्स में डिटेल में आई है, जैसे कि RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स। इन सब का जस्ट हम इस वाली यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी इनके सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं आगे की वीडियोस में करूँगा जिनमें ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक से। सबसे पहले हम आते हैं बैंकिंग के ऊपर। सबसे पहले बैंकिंग का मतलब क्या होता है आज हम सीखेंगे। The acceptance for the purpose of lending as investment of deposits from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or otherwise. Banking का सीधा सा मतलब क्या होता है कि मैंने लोगों से deposits लिए जिनको मैंने low interest provide किया उनकी savings के लिए और high interest पे किसी और को lend कर दिया। ये काम पहले जितने भी हमारे ज़मींदार वगैरह वो लोग करते थे। वो लोग क्या करते थे, जो उनके पास मनी होता था वो एग्रीकल्चर या जितने भी लेबर वगैरह थे उन सबको प्रोवाइड करते थे फॉर एक्टिविटीज़। हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये वाला जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने RBI यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास किया 1934 में और RBI को इस्टेब्लिश किया। इसलिए बैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। बैंकिंग के वही फीचर्स वगैरह अगर आप करोगे तो क्या आ जाएंगे, एक क्रेडिट प्रोवाइड करता है, विड्रॉल होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, लोन हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक आता है जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इसमें सबसे ऊपर, ये मैं अलग अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि अलग अलग लेवल्स आपको पता लग सके। सबसे ऊपर आया RBI यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का जैसे ही मैं नीचे गया ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, शेड्यूल्ड बैंक्स। मैं साथ साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि हम लोगों का टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। शेड्यूल बैंक्स मेरे वो बैंक्स होते हैं जो RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर करे जाते हैं। इन सारे बैंक्स में मिनिमम मेरे को 0.5 मिलियन का रिज़र्व कंपलसरी है। ये RBI की सारी गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो करते हैं। अनशेड्यूल वगैरह वो सारे बैंक्स जो RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंडर नहीं बने वो सारे अनशेड्यूल में आ जाएंगे। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम अनशेड्यूल बैंक्स हैं या हम इनको अनऑर्गेनाइज्ड बैंक्स भी बोल सकते हैं। इनका रिज़र्व 5 लाख यानी कि 0.5 मिलियन से कम होता है। शेड्यूल बैंक्स फर्दर डिवाइड होते हैं कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स में। कमर्शियल जैसे कि हम लोगों को नाम से ही पता लग रहा है, बेसिकली वो बैंक्स हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्टेब्लिश करे गए हैं। इनका काम है एक जने से सस्ते उस पर इंटरेस्ट पे पैसे लेना और फर्दर मनी को लेंड करना या प्रोवाइड करना, ठीक है। कोऑपरेटिव मेरे वो है जैसे कि बेसिकली जैसे कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसमें उसके मेंबर्स ही सारी चीज़ करते हैं, वही पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, वही पैसा लोन पे लेके जा रहे हैं, वही काम मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं। मेंबर्स ही उसे ओन करेंगे, मेंबर्स ही उसके प्रॉफिट ले पाएंगे, मेंबर्स ही उससे लोन ले पाएंगे वगैरह, वो सारा मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स में आ जाते हैं।
ये हम आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं। कमर्शियल बैंक फर्दर डिवाइड होते हैं पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स और लास्ट में RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक बैंक्स मेरे वो बैंक्स हैं जिसमें मेरी गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है, प्राइवेट बैंक्स जिसमें मेरी गवर्नमेंट का कोई भी स्टेक नहीं है, फॉरेन बैंक्स जो कि बैंक्स जिनके हेडक्वार्टर्स बैंक्स के दूसरी कंट्रीज़ में और वो हमारी कंट्री में आके बिजनेस कर रहे हैं। RRBs मेरे गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं बट ये स्पेशली कुछ रीजन वाइज डेवलपमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं। पब्लिक बैंक्स में फर्दर आते हैं, सबसे पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स, अदर्स। SBI जैसे कि हम सब जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है, ये भी हमारे यूनिट टू में आएगा डिटेल में। नेशनलाइज बैंक्स मेरे वो बैंक्स थे, इसके पीछे एक कहानी है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। असल में हुआ क्या था, जब मेरी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी मेरा बैंकिंग सेक्टर वगैरह ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था। गवर्नमेंट को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि अगर गवर्नमेंट को बैंकिंग को डेवलप करना है तो उसे इस गेम को प्राइवेट से गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लाइक जितने भी उस टाइम के मेजर बैंक्स थे उन सब ने मेजर या मैक्सिमम स्टेक्स या शेयर्स खरीद लिए और उन्हें कन्वर्ट कर दिया पब्लिक बैंक्स में। इसे हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो होता है और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है एपिक्स इंस्टीट्यूट्स। Thank you.